तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही अच्छा एक पैक मैं बताने जा रही हूँ। जी हाँ, बहुत ही अच्छा पैक होगा जो आपके किचन से ही वो पैक बन जाएगा। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही तुरंत बनने वाला है। इस पैक में टोटल 3 इंग्रेडिएंट्स आपको मिलाना है। ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ 3 चीज़ें मिलाना है और मैं गेहूं के आटे से ही वो पैक बनाऊंगी, जो कि आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा उसको तराशने में या ढूंढने में, या जो भी आपके किचन में तो रहता ही रहता है, क्योंकि रोटी तो हम सब खाते ही खाते हैं। सुबह रात जो भी रोटी खाते ही हैं, सबके घर में आटा मौजूद रहता ही है। पर अगर आपके घर में गेहूँ का आटा नहीं है तो फिर आप बाजरे का आटा ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये गेहूँ का आटा है, आप गेहूँ का आटा लीजिए, क्योंकि गेहूँ का आटा हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा क्लींजिंग का काम करता है, हमारे रंगत को निखारने का काम करता है और काफ़ी ग्लो बनाता है हमारे स्किन को। और बहुत सारी ऐसी इसकी खूबियाँ हैं जो आप सब भी जानते हैं। पेट के लिए तो अच्छा होता ही है, हेल्थी होता है, प्लस फेस के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। एंड सेकेंड जो आपको लेना है वो लेना है दूध। आप कच्चा दूध लीजिए, लेकिन अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप बॉयल दूध भी ले सकते हैं, बट वो ठंडा होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, वो ठंडा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गर्म दूध लेंगे तो वो आपका पैक बिल्कुल ख़राब कर देगा, वो पैक आपके स्किन के लिए सूटेबल नहीं रहेगा। तो आप जब भी कोशिश करें, कच्चा दूध नहीं है तो आप बॉयल दूध को हमेशा ठंडा करके ही यूज़ करें अपने पैक में। एंड थर्ड जो इन्ग्रीडियंट्स है वो है लेमन। तो बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारी लड़कियों को प्रॉब्लम होता है कि लेमन सूट नहीं करता है, इनफैक्ट मुझे भी सूट नहीं करता है। तो उसकी जगह हम क्या लेंगे, उसकी जगह हम लेंगे टमाटर। जी हाँ, आधा टमाटर, जिस अकॉर्डिंग आपको पैक बनाना है उस अकॉर्डिंग आप अपना टमाटर ले सकते हैं। मैं सिर्फ फेस के लिए बना रही हूँ तो मैं आधा टमाटर ली हूँ। तो अगर किसी को लेमन सूट करता है तो वो लेमन ले ले, किसी को टमाटर सूट करता है तो वो टमाटर ले ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन सारी तीनों चीज़ों को मिला करके हम एक अच्छा सा पैक बनाएंगे। जो कच्चा दूध है वो भी हमारे स्किन को साफ करता है, हमारे स्किन के मतलब सबसे अच्छा एक बोलेंगे क्लींजिंग होता है। मिल्क से हम अपने फेस को अच्छे से जब क्लीन करते हैं तो वो एक सबसे बेस्ट क्लींजिंग माना जाता है हमारे फेस के लिए, और स्किन के लिए तो भाई बड़ा ही मतलब रामबाण का काम करता है, क्योंकि वो आपके रंगत को निखारता है, दाग धब्बों को कम करता है, स्किन में नमी बनाए रखता है, आपके चेहरे की छाइयों झुर्रियों को भी कम करने में बहुत हेल्प करता है, रंगत को निखारने में हेल्प करता है। मैं क्या ही बताऊँ, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और नींबू जो होता है ये भाई विटामिन सी की मात्रा इसमें भरपूर पाई जाती है, इसके बारे में तो मैं मतलब जितना बोलूँ उतना ही कम है। तो उसी तरह टमाटर भी होता है, टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे स्किन के रंगत को निखारने में काफ़ी हेल्प होता है, ब्लीचिंग का काम करता है हमारे स्किन के लिए, ब्लीचिंग का बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो हम अपने पैक में जब भी मिलाएंगे तो वो हमारे लिए ब्लीच का भी काम करेगा। तो इन सारी तीनों चीज़ों को मिला करके जो एक पैक बनेगा वो हमारे फेस के लिए है। पर वो पैक बनाने से पहले मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन करके बैठी हूँ। जी हाँ, मैं वीडियो बनाने के पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन करके बैठी हूँ। मेरे फेस में कुछ भी नहीं है, हल्का सा लिपस्टिक है, बट वो उतना बनता है। अगर वो भी नहीं लगाऊंगी तो फिर आप लोग बोलिएगा कि ऐसी बढ़ गई है, इसलिए इतना लगाना बनता है। और मैं बकवास भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो प्लीज़ मेरी बकवास को साइड में रखिएगा और मेरे वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अगर आपने बीच में स्किप कर दिया तो ये नहीं पता चलेगा कि मैंने बीच में और भी कुछ चीज़ें बताई है जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो आप देखिए मैं ये पैक कैसे बनाती हूँ, उसके बाद कैसे यूज़ करना है, कितने देर तक रखना है, उसके बाद कैसे रिमूव करना है, उसके बाद क्या करना है। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहो तभी आपको पता चलेगा, स्किप करके देखोगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। फिर मुझे दोष मत देना कि मैंने कुछ भी नहीं बताया आप सबको। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने पैक को बनाना। तो सबसे पहले मैं ये बॉल लेती हूँ, तो सबसे मस्ट है, मैं बोल चुकी हूँ, अपने फेस को क्लीन करके रखिए। फेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, गंदे फेस में कभी कुछ नहीं लगाना चाहिए, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बॉल में मैं एक चम्मच आटा लूँगी, मैं अपने फेस के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। एंड इसके बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर। आपको नींबू सूट करता है तो आप नींबू डाल सकते हैं, पर मुझे नींबू सूट नहीं करता इसलिए मैं टमाटर का रस इसमें ऐड करूँगी।
देखिए ये मैंने ऐड कर दिया है टमाटर का रस, और इसके बाद मैं ऐड करूंगी मिल्क, जितना आपको चाहिए पैक के हिसाब से आप उतना डाल लीजिए, एंड फिर इसे अच्छे से मिक्स करिए। ये देखिए मैं आपको ये सामने में ही ये पैक बना करके बता रही हूँ, ताकि आपको समझने में बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो, और मैं तुरंत ही इसे लगा करके भी इसका रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी। और मुझे काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स होते रहते हैं, तो ये पिंपल्स को भी बहुत ज़्यादा रिमूव करने में हेल्प करता है, कम करने में हेल्प करता है। तो ये बहुत ही अच्छा पैक माना जाता है, जो काफ़ी नेचुरल तरीके से बना है, इसमें कोई भी किसी तरह का केमिकल मिला नहीं है। हमने जितने भी चीज़ें बनाई हैं ये सारी की सारी नेचुरल है, जो हमारे घर पे ही रहती है। तो ये अच्छे से हो चुका है मिक्स, एंड मिक्स करने के बाद हम इसे अपने फेस पे लगाएंगे। ये देखिए से पहले मैंने अपने बालों को अच्छे से बांध लिया है, क्योंकि पैक लगाने के बाद बाल आपके फेस में चिपकेंगे तो आपको अच्छा लगेगा नहीं, काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो चलिए फटाफट पहले अपने इस पैक को लगाते हैं। मैं हाथ से ही लगा रही हूँ, मैं फिंगर का ही यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश का भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये देखिए मैंने पैक को कुछ इस तरीके से लगा लिया है अपने फिंगर की हेल्प से, एंड इसको 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देना है, जब तक कि ये हमारी स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं हो जाता और सूख नहीं जाता है। तो चलिए सूखने के बाद बताते हैं कि इसे क्या करना है। तो फाइनली मेरा पैक लगाए 15 मिनट हो चुका है। 15 मिनट के बाद देखिए पैक मेरा सूख चुका है, कुछ कुछ नहीं सूखा है, बट हाँ इतना ही आपको रखना है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। ड्राई बहुत से ज़्यादा ड्राई हो जाने से क्या होता है ना, हमारी स्किन टर्न ऐसे खींचने लगती है, तो वो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। अब आप देखिए, अब मैं आपको हल्का सा रिमूव करके दिखाऊंगी यहाँ पे। ये देखिए मैंने वीडियो स्टार्ट करने के पहले अपना फेस दिखाया था बिना पैक लगाए, और बस जस्ट ऐसे ही मैंने फेस को अपने क्लीन कर रखा था नॉर्मल पानी से ही। और पैक लगाने के बाद आप देखिए यहाँ पे कितना निखार आया है, तो है ना ये गजब सा पैक। और इसे रिमूव कैसे करना है, इसे डायरेक्टली आपको वॉश नहीं करना है। हमने जो टमाटर का यूज़ किया था वो टमाटर हमारा कुछ इस तरह से बच गया था, इसमें अभी भी थोड़ा सा रस है, तो इसी टमाटर की हेल्प से हम अपने फेस को इसे अच्छे से 20 सेकेंड तक मसाज देंगे हल्के हाथों से, कुछ इस तरीके से। ये देखिए सी आप देख रहे हैं सामने में ही रिज़ल्ट, मुझे कुछ ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सामने में देख लीजिए रिज़ल्ट। एकदम हल्के हाथों से मसाज दें, क्योंकि हमारे आंख के नीचे की स्किन बहुत ही नाजुक होती है। तो इस तरह से 20 सेकंड तक मसाज देने के बाद हम अपने फेस को अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। नॉर्मल पानी से आपको वॉश करना है, गर्म पानी का यूज़ बिल्कुल भी ना करिएगा, ठंडा पानी होना चाहिए, नॉर्मल पानी होना चाहिए। और वॉश करने के बाद आपको दिखाते हैं अपना फाइनल लुक। और पैक लगाने की ये बात क्या, स्किन है ना एकदम चमकदार असरदार। तो आप भी ये पैक ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके घर पे ही रहती है, आप इजी तरीके से इसको बना सकते हैं और लगा सकते हैं, और अपनी स्किन को हेल्दी एंड जवान बना सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसा लगा सो प्लीज़ 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 बताइएगा, मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।